पैक में से हमने निकाला है रियलमी का ब्लूटूथ स्पीकर कोबल, और दूसरा है सोलिमो, मतलब अमेज़न बेसिक की तरफ से 8 वोल्ट का स्पीकर। अब रियलमी 5 वोल्ट में है और ये सोलिमो 8 वोल्ट के अंदर है, लेकिन बेटर कौन सा है? सोलिमो आता है 1000 रुपए के अंदर, रियलमी आता है 1200 से 1800 रुपए के बीच में, कौन सा लेना चाहिए? देखो अभी तक का तो विनर रियलमी रहा है, बट अभी उसको टक्कर देने आ गया एक जवान कह लो आप, ठीक है, थोड़ा सा भारी भरकम जवान है रियलमी, थोड़ा सा दुबला पतला मॉडलिंग टाइप कर रहा है रियलमी, थोड़ा सा डाइटिंग पे, और ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया। कुछ बेसिक डिफरेंसेस से बात कर लेते हैं पहले, तो दोनों स्पीकर हैं रियलमी और अमेजोन बेसिक्स की तरफ से, रियलमी 8 वोट में, अमेजोन बेसिक्स 5 वोट के अंदर आता है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। बिल्ड क्वालिटी दोनों के अलग अलग है, हालांकि अमेजोन बेसिक्स में पूरा रबर फिनिश और ऊपर मेटल ग्रिल दी गई है, और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ आपको मेंशन करी हुई मिलेगी, ऊपर सारे बटन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जबकि रियलमी में अगर हम बात करेंगे बटन्स की, तो रियलमी में साइड में आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और उसमें आपको मोड और पावर का बटन देखने को मिलेगा सिर्फ। यहाँ पे रियलमी में ऊपर मेटल ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी ऊपर रियलमी की ब्रांडिंग है, और नीचे जो है ना इसका पूरा मतलब एक रबर फिनिश है, मैट फिनिश में है, ब्लैक कलर काफी अच्छा लगता है। सोलिमो में ऊपर मेटल ग्रिल है लेकिन साइड में पूरा प्लास्टिक और रबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और पीछे एक पैसिव बेस एडिटर है। इसका जो आईओ कंपार्टमेंट है उसमें मल्टीपल कनेक्टिंग ऑप्शन है, TF, ऑक्स, USB, चार्जिंग, हालांकि माइक्रो USB, कौन सा साल है ये, 2022, लेकिन रियलमी में टाइप सी मिलती है, और इसके अलावा इसमें कोई भी कनेक्टिंग ऑप्शन मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिखने में काफी स्टडी बिल्ड के साथ ही आता है, एंड पीछे से पूरा प्लास्टिक है। रियलमी भी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, स्टडी बिल्ड के साथ आता है, एंड बहुत ही लाइट वेट आप कह सकते हैं उसको। पॉकेट टेस्ट ले लेते हैं, देखो रियलमी इजिली पॉकेट में फिट हो जाता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट नहीं करता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं सोलिमो की बात करूं, मतलब अमेजोन बेसिस की बात करूं, तो ये देखो कितना भारी भरकम है, पॉकेट में ये भी आ जाता है, बट यार फंसाने को तो कुछ भी फंसाया जा सकता है ना, तो ऐसा नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, तो रियलमी यहाँ पे विनर हो जाए। इसमें कैरी करने के लिए आपको एक मेटल हुक दिया गया है, रियलमी में एक प्रॉपर स्टेप दी गई है जो कि मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगी, हाँ इसमें नहीं है, हमने निकाल दी गई है। ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करें तो दोनों की बराबर है, दोनों में अलग अलग फीचर्स हैं, बट दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी आपको सोलिमो मिलती है 2000 mAh की, और रियलमी में मिलती है आपको सिर्फ 1500 mAh की, लेकिन वहां पे एक कैच है, अमेजोन में से आता है आपको 8 वोल्ट का और रियलमी आता है 5 वोल्ट का, तो बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। तो साउंड क्वालिटी में दोनों एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त टक्कर देते हैं, रियलमी में एक क्रिस्प साउंड है, थोड़ी सी दबी हुई एंड बेस ज्यादा मिलता है, जबकि अमेजोन बेसिस में बेस थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन लाउडनेस ज्यादा मिलती है, इसके ट्रिबल्स ज्यादा हाई हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ट्रिबल्स ज्यादा मायने रखते हैं या फिर बेस ज्यादा मायने रखता है। क्वालिटी साउंड की दोनों की बहुत ही अमेजिंग है, आप कोई भी ले लो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने बेकार स्पीकर ले लिया है। तो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो यहां पे बजट में अमेजोन बेसिस है, पोर्टेबिलिटी में रियलमी है मिलेगा आपको, साउंड क्वालिटी में दोनों ही बराबर है, बेस के रियलमी आपको मिलेगा, ट्रेबल्स के लिए आप अमेजोन बेसिक्स की तरफ जा सकते हो। अब को दो चीजें रियलमी में एक्स्ट्रा मिलती हैं, एक तो गेम मोड, दूसरा 3 EQ मोड्स, लेकिन वहीं पे अमेजोन बेसिस में आपको कनेक्ट इन ऑप्शंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो अब आपके ऊपर है।
मेरे हिसाब से दोनों ही स्पीकर बहुत ही टक्कर की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर आपको कौन सा चूज करना है। बट पर्सनली अगर आप पोर्टेबिलिटी देखोगे, साउंड क्वालिटी, बेस ज्यादा चाहिए और गेम मोड चाहिए और 3Q मोड चाहिए, देन डेफिनेटली आप रियलमी को प्रेफर कर सकते हो। बट बजट अगर एक मेन इशू है ना, तो बजट के हिसाब से बिना सोचे समझे आप अमेजोन बेसिस के लिए जाओ, क्योंकि इसमें साउंड भी मिलती है, बेस भी मिलता है, मल्टीपल कनेक्टिंग ऑप्शन मिलते हैं और रियलमी से काफी सस्ता ही मिल जाता है। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से जाके परचेज कर सकते हो, थोड़ा हमारा भला हो जाएगा यार। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के अंदर। और आप क्या सोचते हो इन दोनों स्पीकर्स के बारे में कमेंट में मेंशन जरूर कर देना, हम जरूर जानना चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।